हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है सैटरडे। सैटरडे है आज, और अध्ययन की तबीयत खराब है। अध्ययन अब कैसा फील हो रहा है? बहुत गंदा। बहुत गंदा। गले का दर्द अभी आराम है कि नहीं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आराम है। और सर दर्द जो हो रहा था वो तो ठीक हो गया। एक दिन बीमार होने में हमारे बेटे को चक्कर आने लगता है। बेचारा तो इतना ज़्यादा कमजोर है। बाबू, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो? अच्छा, अब बाहर की चीज खाने के लिए अच्छा, आप दवाई खाई हो तो खाए हो तो आराम है ना? बोलो। हाँ। इसीलिए खेल रहे हो ना? आज मोनी का सीटेट का पेपर था। सुबह ही निकल गई थी 7:15 बजे, अब आई हैं 7:30 बजे आई हैं। तो मोनी से पूछते हैं पेपर कैसा हुआ। मोनी के शकल पे 12 बजे हैं थकान की सुबह से जान का था बदरपुर, बिना कुछ खाए पिए गई और लेके भी तो नहीं गई। पूछी, बोली रोटी लेके जाओ, तो ये क्या लेके गई? आलू मटर की घुघरी। भाभी को तो मैं इसलिए लेके गई, वहां पे पता चलता बैग रखने के। तो चलो इस बार दे दी उन लोगों ने, 50 रुपए दे दो और बैग रख दो। और अगर ना होता तो जो खाने को जो लेके गई थी ना वो भी नहीं खा पाती। बैग पता नहीं कहाँ पड़ा रहता। पेपर कैसा हुआ? टेंशन वेंशन भी। पेपर सही हुआ? खूब अच्छा। पेपर तो अच्छा हुआ, बाकी रिजल्ट पेपर तो अच्छे ही होते हैं, रिजल्ट बताते हैं बाद में। अब हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, अब मिलते हैं चाय पीने के बाद। मोनी यू कह रहे हैं आप ही को लेने जाना पड़ेगा अद्दू को। कह रहे हैं मैं देखा ही नहीं, जब भी गया हूँ तो रोड पे ही छोड़ के, मोनी रहती है रोड पे छोड़ के आ गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है अब कोई नहीं था तो मैं छोड़ के आई थी, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो आप ही लोगों को जाना पड़ेगा। जब कोई नहीं रहता है तब तो मैं काम करती हूँ, रहने के बाद तो मुझे और भी काम करने होते हैं ना। जाइए। स्कूटी से जाएंगी? कैसे जाएंगी? सांप लेके आई है? नहीं, अध्ययन का। हाँ, मुझे पता नहीं, पता नहीं इसे घिन आता है कि डर लगता, समझ ही नहीं आता। घिन ही आती होगी तेरी। जाएंगी लेने? हाँ, स्कूटी से पैदल जाओ क्या? पैदल बहुत ज्यादा थक जाएंगी, इतना दूर पता नहीं कहाँ आप लोग ट्यूशन लगा दिए हैं उनका उसका, वो भी बेचारी थक गई थी मेरे साथ पैदल जाने में। जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वही वो पढ़ती है। हाँ। तो सोचो जब मेरे पास स्कूटी नहीं होती और मुझे पैदल जाना होता तो मेरी टिकरी बहुत आती है। पहले मैं उतना पैदल चलती थी। हाँ। अभी भी मैं चलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो स्कूटी की आदत पड़ेगी, क्लास ज्यादा होती है, टाइम कम होता है। से तो और भी ज्यादा। मैं भी थक गई थी उसको, रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। कर रही थी मम्मी आप इधर के साइड में आओ, गाड़ियों के साइड में मैं बोली चल मैं करवा दूंगी। नेहा भी गई थी। अब कोई घर में नहीं था तो मैं छोड़ के आई हूँ, अब सब लोग आ गए तो मेरा काम खत्म। जाइए लेके आइए, अभी मैं खाना बना रही हूँ। तब तक आप सो जाइए, फिर खाना बन जाएगा तो उठिएगा। आज मैं बनाऊंगी आलू मेथी मटर की सब्जी, दाल चावल। रोटी भी खाएंगे? रोटी नहीं बनाऊंगी तो कुछ एक सब्जी बनाऊंगी अभी। हाँ, अभी रोटी दिन में खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी भी पड़ी हुई है। चलो फोन चार्जिंग लगाते हैं, पहली बार मेरा फोन 30% पे रह गया, बस पूरे रास्ते गाना नहीं सुन के, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था। 30% साथ सुन ली होती, 30% में सुन ही लेती, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। चलिए आप जाइए ले आइए। क्या बना रही हो? दाल चावल और आलू मेथी मटर की सब्जी बना रही हूं। आलू मेथी मटर? मैं तो नहीं खाती यार ये सब्जी। क्यों? क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खिलाऊंगी ना, खाना पड़ेगा, हरी सब्जी खाना चाहिए। ये पसंद तो नहीं है। ये मैं इसमें पहले लहसुन और मिर्च का तड़का दूंगी, बहुत ही अच्छी बनती है, तू खा के देखा करो, पहले मत मना करो, पहले किसी चीज़ को नहीं मना करते हैं, पहले उसका टेस्ट लो कैसा बना है। ठीक है, लहसुन और मिर्च हमारा हो गया लाल, अब मैं इसमें आलू डालूंगी। दूर हटक, तू नहीं तेरे हाथ में लग जाएगा।
थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं मेथी और मटर डालूंगी। इसको थोड़ा सा चला वाला के ढक दूंगी, अभी नमक नहीं डालूंगी, थोड़ा सा हो जाएगा तब नमक डालूंगी। बनाना सीख रही है ना? तो गाइस ऐसा लग रहा है सब्जी बन गई है, बस थोड़ा सा इसको खोल के भून देंगे 5 मिनट। दिखने में तो बड़ी टेस्टी लग रही है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ आ रही है ना। अब ये सब्जी मैं वहाँ रख दूंगी, अभी चावल भी हो गया हमारा, अब बनाऊंगी रोटी। खाना बनाने के बाद आप तो बोली थी चावल सब्जी दाल बनाओगी, रोटी क्यों बना रही हो? दादी के लिए, दादी को शुगर का खाली चावल नहीं खाएंगी ना, रोटी भी खाएंगी। ओके, दादी के शुगर की वजह से। ठीक है, एक दादी के लिए बनाऊंगी, एक अपने लिए। और बुआ तेरी तबीयत कैसी है? खांसी हो रही है बुआ को। तबीयत उनकी सही है, बस उनको थोड़ी सी थकान है। हाँ वो ठीक हो जाएगी, थोड़ी इतनी सारी थकान है मेरे को। कितनी सारी? आजो इन लोगों ने मेरे को ना 1 बजे रात को सोई, लोगों ने पहले 3:30 बजे उठा दिया। किसने? मम्मी ने। फिर उसके बाद अंतु मुझे कह रही बुआ उठ जा, तेरा पेपर देने जा रहा है 4:30 बजे। मैं तू सो जा सब्जी। मैं तो बोली थी मैं अलार्म लगा के सो रही, मैं लगा दूंगी अलार्म। तो मैंने भी लगा दी कि कहीं 10 बजे आपको अलार्म, जैसे एक बार जब वो कौन सा वर्क था फिर मैं सेटिंग उसका सही करवाई थी लकी से। फिर ये मम्मी मुझे 3:30 बजे उठा दी। मम्मी 3:30 बजे अभी, और मैं 1 बजे सोई हूँ, इतनी बार बुला रहे मम्मी को, लग रहा था कहीं ऐसा ना कोई छूट उठ जाए। फिर मम्मी उठी, बुढ़िया उठ बुढ़िया उठ, ये मुझे कह रही बुआ उठ जा तेरा पेपर आया ना, 4:30 बजे कौन सा पेपर दे जाओगे, तू चुपचाप करके सो जा। अरे बड़ी मुझे उठा ली, ये स्कूल जाना रहता तो बोलती नहीं है आपके लिए, पता नहीं कैसे आप खुली कह रही बुआ उठ जा तेरा पेपर, 4 पेपर दिया मैंने, क्या हो गया तू चुपचाप सो जा। कह रही है 6 बज गए बुआ, मेरे को 4:30 बजे रहे, तुम लोगों को क्या हो गया? भाभी आधा घंटा भी होगा, 5 बजे फिर मम्मी उठाती है मुझे, आप तो 6 पक्का बज गए, मेरा ना मम्मी 5 बजे रहे, 5:05 हो रहे हैं। आप बोली नहीं कि मम्मी आप फोन लेके सो, घड़ी देख के तब जगाना मुझे, क्या हो गया आप लोगों को? फिर 5:30 बजे फिर फाइनली मम्मी जब उठाया तो 6 बजे रहे, 5 मिनट बाकी, फिर 5:30 बजे उठा दिया है। फिर जब फाइनली 6 बजे जब 5 मिनट बाकी तब मैं उठी, फिर मैंने कहा मैं उठी जाती हूँ, मेरा अलार्म तो पता नहीं बजेगा कि नहीं बजेगा। मम्मी का अलार्म बज गया। हाँ मम्मी का अलार्म 3:30 बजे से बज गया था। और ये मैडम भी उठ के मुझे कह रही बहुत तेरे को पेपर देने जा रहा है, बोले तो पेपर दिया। फिर मैं 6 बजे 5 मिनट बाकी था तो गीजर ऑन करके आई, फिर नहाई वहाई, तब तक शायद आपका फोन वोन आ गया था, तब मैं नहाई हुई थी उस टाइम पर। मैंने कहा यार है इतना ऐसी थकान, बैठे बैठे वहाँ पे हम पैर फैला के बैठ सके लगा यूँ बैठे, और थोड़ा सा ऐसे हाथ कर ले तो पीछे के खड़े हो जा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हाथ क्यों फैला रहे हैं, इतना दिमाग खराब हो रहा था। मतलब तो अच्छा हुआ स्वेटर वेटर पहले दिए, नहीं तो वो भी निकलवा देते वो लोग। हाँ पहले के तरह स्टिकनेस होती तो स्वेटर वेटर भी करवा देते, लेकिन मेरे कान के लिए तो मुझे कुछ नहीं बोला, इतने छोटे छोटे के लिए। लोग तो अपने नोज रिंग वगैरह सब उतार के आते, मैंने तो नहीं उतारा, वैसे इतनी छोटी सी तो है, ये भी तो छोटे छोटे, तो उसको क्या ही छुपा लूंगी। अभी वैसे तो ये वाले पैंट चाहिए बड़े बड़े भाभी, हर जगह थोड़ी ना वो मिलती है, इस बार तो चलो किस्ता। मैंने दीदी कह रही थी कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ, पता नहीं इस बार कैसे हो गया कि तुम लोगों के बारे में तुम लोगों को बैग रखने की जगह भी मिल गई, फोन रखने की बैग, क्योंकि इतनी दूर दूर से लोग आते, क्या पता लोग सोच लिया होगा, अगर बाई चांस बात की उतरवाते तो तब क्या होता। खाना निकाल रही हो आप? पापा के लिए निकाल रही हूँ, दाल चावल सब्जी। अच्छी लग रही है ना? हाँ टेस्टी लग रही है, देखने में खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, आज से मैं टेस्ट करूंगी। ठीक है क्या हो रहा कुछ?
ये मामा खराब कर रहे हैं। सिर क्यों काट रही है? दिखाओ एक बार, दिखाओ ना। हट इधर से। क्या हुआ लाडू, मामा खराब कर रहे हैं? हाँ मामा खराब कर दे रहे हैं। अच्छा दिखाओ, मुझे दिखाओ। वायरलेस फोन लेना है उसको, इसलिए वायरलेस लेके चलती है। ला चिल्ली से ला तुम्हारे कान में करे। अभी करवाई थी गोद में लेट के। हाँ हाँ हाँ। क्या गुदगुदी हो रही बेटा? दोस्तों अब हम लोग का खाना पीना हो गया है, अब बर्तन वगैरह सब मैं धुल चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ कि अभी 10:30 ही बज रहे हैं, थोड़ा सा टहल लूँ 15-20 मिनट, क्योंकि खाना खाने के बाद जब तक टहलूँ नहीं तो जैसे कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है। मैं जितनी भी ठंडी हो मैं ज़रूर थोड़ा सा टहलती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर टहलने, या छत पर टहलूँगी या नीचे गली में ही टहल लूँगी अद्दू के पापा के साथ। और सब लोग पुच्चू के साथ इतनी सारा मस्ती कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा खेल ली हूँ। इसके बाद अब सोच रहे हैं टहल के आऊँ, फिर वो तो 1 बजे तक जागती हैं, तो फिर थोड़ा सा हम लोग खेलेंगे। और अब मैं अपनी वीडियो का ही एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए आप लोग को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।